क्या रवीना और संजय दत्त के किरदार होंगे टीम अप? किस केजीएफ को स्टार्ट पर था रवीना को क्रश? हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है बॉलीग्राफ स्टूडियोज में और मैं हूं आपके साथ अनुष्का त्यागी। केजीएफ चैप्टर 2 वैसे तो एक कन्नड़ भाषा की फिल्म है, मगर इसे हिंदी दर्शकों के बीच भी काफी खासी पॉपुलैरिटी मिली थी। फिल्म का डायरेक्शन प्रशांत नील ने किया है और पहली फिल्म की कामयाबी ने दूसरे भाग के लिए इंतजार और बढ़ा दिया है। कन्नड़ फिल्म केजीएफ चैप्टर 1 एक बेहद कामयाब फिल्म है जो 2018 में रिलीज हुई थी। 1960 के दौर में सेट ये पीरियड फिल्म थी जिसमें कोलार गोल्ड फील्ड को लेकर माफिया की कहानी दिखाई गई थी। फिल्म तेलुगु, तमिल, मलयालम और हिंदी भाषाओं में डब करके भी रिलीज की गई थी। दोस्तों, दूसरा भाग भी इन चारों भाषाओं में ही रिलीज किया जाएगा। इस फिल्म ने यश को उत्तर भारत में खूब पॉपुलैरिटी दिलवाई थी। फिल्म केजीएफ चैप्टर 2 को लेकर दर्शकों के बीच जैसी उत्सुकता इन दिनों देखने को मिल रही है, उससे उम्मीद की जा रही है कि ये फिल्म बाहुबली का रिकॉर्ड तोड़ने की ताकत रखती है। दोस्तों, ढेर सारे एक्शन और फाइटिंग मोमेंट्स के साथ ये पक्का है कि केजीएफ चैप्टर 2 काफी उत्साह और मनोरंजन लेकर आएगी। ये तय है कि केजीएफ की आने वाली सीक्वल फिल्म इंटरनेट पर तूफान की तरह छा जाएगी। दोस्तों, केजीएफ चैप्टर 2 न केवल सभी एक्सपेक्टेशंस को पार करेगी बल्कि ये एंटरटेनमेंट, एडवेंचर और एक्साइटमेंट का एक पूरा पैकेज होगा जिसे ऑडियंस एक्सपीरियंस करेंगी। दोस्तों, आजकल ऐसी कई अफवाहें हैं जो फिल्म के फैंस और फिल्म लवर्स के बीच घूम रही हैं। दोस्तों, अफवाहों में से एक ये है कि रवीना टंडन संजय दत्त को काम पर रखने और यश को मारने में उनकी मदद करने वाली है और ये दोनों यश के खिलाफ टीम अप होने वाले हैं। अगर हम केजीएफ चैप्टर 1 के फैक्ट्स को देखें तो ये असलियत में एक विश्वास करने वाली अफवाह है। वही केजीएफ चैप्टर 2 में वैसे भी संजय दत्त और रवीना टंडन बॉलीवुड को रिप्रेजेंट करेंगे, इसलिए इन दोनों का रिश्ता केजीएफ से पहले से ही है। तो दोस्तों, संजय दत्त भले ही अब एक पारिवारिक आदमी हो, लेकिन पुराने जमाने में वो अपनी फीमेल को स्टार्स के काफी पसंदीदा थे। क्या आप जानते हैं कि रवीना टंडन, जिन्होंने संजय दत्त के साथ जमाने से क्या डरना, आतिश और विजेता जैसी फिल्मों में काम किया है, वो संजय दत्त पर उनका भारी क्रश हुआ करता था। अब चाहे उनका ये क्रश पूरा ना हो पाया हो, लेकिन केजीएफ चैप्टर 2 में इन दोनों की परफॉर्मेंस खतरनाक होगी, ये बात तो पक्की है। हम तो इन दोनों को यश के खिलाफ टीम अप करते हुए देखने के लिए काफी एक्साइटेड हैं। और आप दोस्तों, हमें अपनी राय कमेंट्स में जरूर बताइएगा। साथ ही अगर वीडियो पसंद आई है तो उसको लाइक और शेयर करना बिल्कुल न भूले। हम फिर हाजिर होंगे एक नई वीडियो के साथ में। बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए पॉलीग्राफ स्टूडियोज। हमारी आज की राइटर है साम्या भार्गव।